हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ये बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये देखने में तो बहुत मुश्किल लेकिन बनाना बहुत आसान है। बस इसमें एक फूल बनाना है और उसे ज्वाइंट करना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत प्यारे से क्रोशे का डिज़ाइन बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने 5 चैन बुननी है। 1, 2, 3, 4, 5 5 चैन बुन लीजिए और इसका एक रिंग बना लीजिए इस तरह। देखिए, फिर आपने 1, 2, 3 3 चैन बनाई, एक बल लिया और फ्रेंड्स देखिए इस तरह एक, दो, तीन। देखिए, 3 बार मैंने बुना है और एक मेरी चैन लगा के 4 हो गए। अब हम 4 चैन बुनेंगे, 1, 2, 3, 4। देखिए, फिर एक बल, 1, 2, 3, 4। देखिए, 4 हो गए, फिर 4 चैन, 1, 2, 3, 4 4 चैन, फिर एक बल, फिर देखिए 1, 2, 3, 4। देखिए, हम फूल बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 फिर दोबारा से 4 बार इसी तरह बुनेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। फ्रेंड्स देखिए, 4 चैन बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और देखिए यहां इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह। देखिए इस तरह से मेरा ये देखिए 4 पेटल वाला फ्लावर से एक तैयार हो गया। ये देखिए, अब फ्रेंड्स देखिए आपने क्या करना है। अब हमने देखिए इसके अंदर से यहां से एक सिंगल क्रोशिया बुन लीजिए इस तरह। देखिए, फिर आपने 1, 2 चैन, एक बल और देखिए यहां बुनना है आपने फ्रेंड्स। ये देखिए, एक इस तरह से आपने फ्रेंड्स इसके अंदर 12 बार बुनना है, यानी 12 टाइम बुनना है इस तरह। ये 2 हो गए, यहाँ ट्रिपल क्रोशिया चलाएंगे फ्रेंड्स इस तरह। देखिए, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए इस तरह से मैंने 12 टाइम बुन लिया है फ्रेंड्स। और अब देखिए, एक बल और बल के बाद फ्रेंड्स इसमें भी मुझे 12 टाइम बुनना है। देखिए इस तरह, इसमें भी मैंने इसमें बुन लिया फ्रेंड्स। अब मैं इसमें भी 12 बार और इसमें और यहां तक बुनकर बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह यहाँ पर 12 टाइम इस तरह से मैंने देखिए चारों कोनों पे बना लिया है और अब हम बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं। देखिए, और अब फ्रेंड्स यहां से इसे ज्वाइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया से इस तरह। देखिए, कंप्लीट हो गया है और अब आप इसे देखिए, ये मेरा एक तैयार हो गया। इस तरह से फ्रेंड्स आप 5-6 फूल तैयार कर लीजिए जैसे मैंने तैयार कर रखे हैं। ये देखिए, मैंने ये सारे तैयार कर रखे हैं फ्रेंड्स। अब हम आपको फ्रेंड्स, आप इजीली इसे सुई से भी एक दूसरे के साथ अटैच कर सकती हैं और क्रोशिए से भी। तो मैं आपको इजी वे में सिखाती हूँ कि इसे सुई से अटैच करेंगे तो ये कैसे लगेंगे बनके।
अब मैं आपको इसे ज्वाइंट करना सिखा रही हूँ, मैं आपको सुई से सिखा रही हूँ कि आप इजीली इसे कर सकती हैं फ्रेंड्स। क्रोशिया से भी सिखा सकती हूँ लेकिन वो थोड़ा हार्ड मेथड पड़ेगा। तो आप इजीली इस तरह से देखिए इसको दो टांके कस के लगा दीजिए। इस तरह से देखिए, फिर आपने फ्रेंड्स एक यहां लगाना है। देखिए देखिए इस तरह से है ना, तो आपने अब फ्रेंड्स इसको अंदर लाना है इस तरह, और यहां से देखिए यहां से इसको इस तरह ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स आप दूसरा ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह, अब आप इस तरह रखेंगे, और आपने देखिए अभी आपके तीन हो गए इस तरह। फिर फ्रेंड्स आपने इसके पास एक और रखना है, देखिए इस तरह, इस तरह। ये सब तो फ्रेंड्स बाद में इसकी कटाई कर देंगे। फिर आपने इसको भी इसके साथ सीना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह रखेंगे तो ये आपका फूल बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से। फिर देखिए एक आप इस तरह रख सकती हैं, ये देखिए इस तरह से, और एक फ्रेंड्स यहाँ पर मोती रखेंगे। देखिए और एक मोती लेंगे इस तरह, और यहाँ लगा देंगे इस तरह से, एक मोती लगा देंगे। बस आपने फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि इन चारों को चार कलियां नजर आए इस तरह। देखिए इस तरह, फिर आपने इन दोनों को, बस आपने इन दोनों को ही ज्वाइंट करना है। देखिए इस तरह से ये तैयार होगा फ्रेंड्स। फिर आप एक फूल यहाँ लगा लीजिए, मतलब आप जितना चाहें उतना फ्रेंड्स इसको आगे बढ़ा सकती हैं। देखिए तैयार तो मेरा यहीं तक है। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स मैंने कितनी इजीली इस डिजाइन को बना लिया है। ये देखिए मैंने जो जॉइंट करा है सुई से, और यहाँ एक मोती भी लगाया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बस आप ऐसे छोटे छोटे फूल बना के इन्हें जोड़ती जाए, और देखिए आपका कितना प्यारा डिजाइन तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स आप इसे क्रोशिया से भी जोड़ सकती हैं, लेकिन मैंने आपको सुई से बताया है कि ताकि आप इजीली इसे बना लें। और अगर आपको ये हमारा डिजाइन अच्छा लगे
और मेरा आइडिया पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।